चरण का कार्यक्रम राहुल जी का ये रहेगा इस यात्रा का, 5 तारीख की रात को यूपी में सारे कार्यक्रम समाप्त करके राहुल जी रात को विश्राम सनोली गांव पानीपत जिले के अंदर गांव पड़ता है वहाँ उनका रात्रि का विश्राम का कार्यक्रम है, तो एंटर कर जाएंगे हरियाणा का। 5 की रात को यात्रा नहीं होगी, 6 को सुबह थोड़ा सा यात्रा रहेगी मॉर्निंग वॉक, उसके बाद 6 को रैली करेंगे। जो कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कांग्रेस पार्टी का इस यात्रा का राहुल जी का जो फॉर्मेट है उसमें यह कि एक रैली सारे कांग्रेस जन पूरे प्रदेश के मिलके एक बड़ी रैली करें हर जगह जिस जिस प्रदेश में वो जा रहे हैं, तो उस वो रैली हमारे यहाँ निर्धारित की गई है पानीपत में। पानीपत में सुबह 11 बजे का समय है मॉर्निंग वॉक के बाद, उस दिन दोपहर को कोई वॉक नहीं है, पानीपत में ये रैली की जाएगी, महारैली आर पार की रैली, इसको कितनी बड़ी आप कह दो, क्योंकि जो लोगों ने अपना आशीर्वाद दिखाया झलक दिखाई उसको पूरी रूप में पानीपत की इस रैली के अंदर आप देख पाएंगे, उसके लिए हम आज कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे। उसके बाद 6 को ये रैली पानीपत में, 7 को करनाल में चलेंगे, 7 की रात को करनाल शहर में याद रहता समाप्त होगी, 8 को करनाल से चल के थानेसर पहुँचेंगे, कुरुक्षेत्र जिसको कहते हैं, और थानेसर में शहर में 8 की रात को यात्रा समाप्त होगी, 9 को कुरुक्षेत्र से चल के और कुरुक्षेत्र में रहेंगे सारे दिन, एक ठोल गांव पड़ता है अंबाला कुरुक्षेत्र बॉर्डर पे, ठोल गांव में वो यात्रा का विश्राम होगा, और 10 और 10 का एक दिन की छुट्टी रहेगी, अवकाश एक दिन बीच में रहता है, हफ्ते 10 दिन के बाद सभी यात्री एक दिन का रेस्ट लेते हैं, और 11 को वहीं से ठोल गांव में ही रहेंगे, अवकाश मतलब वहीं, और दस को एक दिन का अवकाश के बाद 11 तारीख को वहाँ से चल के वाया अम्बाला जो है 11 तारीख को ठोल गांव कुरुक्षेत्र से चल के वाया अम्बाला पंजाब शंभू बॉर्डर पे हम पहुँच जाएंगे। ये शेड्यूल है, यानी कि कुल मिलाकर 5 से लेकर 11 तक 6 दिन का शेड्यूल है हरियाणा में दोबारा, जिसमें एक दिन की छुट्टी है और एक दिन की रैली है। आज हम उसकी तैयारी के लिए बैठक है। हरियाणा में जो इतना समर्थन मिला, आप सवाल पूछो उससे पहले हम बता दें, ये हम मानते हैं कि ये प्रतीक इस बात का है कि राहुल गांधी जी की जो तपस्या है, जो ये उन मेहनत कर रहे हैं, एक सच्ची सही नीयत से उनका ये प्रयास है, उसको लेकर लोगों के मन में सहानुभूति राहुल गांधी जी के प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति बड़ी है। और दूसरा, हरियाणा में लोग मौजूदा बीजेपी और जेजेपी सरकार से पूरी तरह पूर्ण तरह से तंग आ चुके हैं, जो इनकी नीतियां हैं, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी देश में, बेइंतहा महंगाई, देश में सबसे ज्यादा महंगाई, घर का बजट बढ़ गया, बेरोजगारी, महंगाई, बेइंतहा भ्रष्टाचार, जेजेपी और बीजेपी ने जो महकमे बांट के आपस में लूट मचाई प्रदेश में, और भेदभाव, जाति धर्म भाषा का भेदभाव, ये जो नीतियां रही हैं जेजेपी और बीजेपी की हरियाणा प्रदेश में, इन नीतियों से भी हरियाणा की जनता का मोह भंग हो चुका है, पूरी तरह तंग है, और हरियाणा को विकास के रास्ते पे लेके जाने के लिए, एक उज्ज्वल भविष्य के लिए लोग आशा भरी नज़र से कांग्रेस पार्टी की ओर देख रहे हैं। इस बात का भी प्रतीक है जो लोग इतने उमड़ के आए, तो